गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 3, दैट इज अर्लियर एरा ऑफ रोमन एम्पायर। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव डिस्कस सम पार्ट ऑफ द टॉपिक and in this video I will conclude this topic. So what we have seen that in Roman Empire, emperor, the aristocracy and the army were the three main players in the political history of empire. Roman empire ke का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री था उसमें जो एम्परर था और जो एरिस्टोक्रेट जो एलीट वर्ग था वो और आर्मी, ये तीन जो थे ये मेन की प्लेयर थे। और इन एम्परर्स की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती थी कि उनकी सेना जो है उनका कंट्रोल अपनी आर्मी पर कितना ज़्यादा है। अगर वो अपनी आर्मी को कंट्रोल में रख पाते थे तो वो सक्सेसफुल होते थे, और जब भी कभी आर्मी पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे और उनकी आर्मी जो थी वो डिवाइड हो जाती थी तो कहीं वो सिचुएशन सिविल वॉर का हो जाता था। वैसे तो रोमन एम्पायर का जो शुरू का टाइम था वो काफ़ी शांत था, और जो थ्रोन का सक्सेशन फैमिली पर डिपेंड करता था, फैमिली का जो डिसेंट होता था उसी को मिलता था, और वो सक्सेसर चाहे नेचुरल सक्सेसर हो या फिर अडॉप्टिव। और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऑगस्टस का जो बेटा था टिबेरियस, वो ऑगस्टस का अपना बेटा नहीं था, अपना नेचुरल सन नहीं था, वो उसका अडॉप्टिव सन था जिसको कि ऑगस्टस ने अडॉप्ट किया था ताकि थ्रोन का स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। एक्सटर्नल वॉरफेयर वॉज ऑल्सो मच लेस कॉमन इन द फर्स्ट टू सेंचुरीज। जो एक्सटर्नल वॉरफेयर था वो भी बहुत कम था पहली दो सेंचुरीज में। द एम्पायर इनहेरिटेड बाय टिबेरियस फ्रॉम ऑगस्टस वाज ऑलरेडी सो वास्ट दैट फर्दर एक्सपेंशन वाज फेल्ट टू बी अननेसेसरी। ऑगस्टस ने खुद ही अपना जो एम्पायर था वो इतना बड़ा, इतना विशाल बना लिया था कि टिबेरियस को ज़रूरत ही नहीं थी कि वो अननेसेसरी उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करे। इनफैक्ट द ऑगस्टन एज इज़ रिमेंबर्ड फॉर द पीस it ushered in after decades of internal strife and centuries of military conquest. In fact, Augustus का जो time था वो शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये शांति इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पहले decades तक internal warfare चला था और बहुत समय तक चली जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बाद ये शांति स्थापित हुई थी। और इतने बड़े वॉरफेयर के बाद जो ये शांति का काल आया था, तो इसलिए ऑगस्टस का जो ये टाइम था वो पीस के लिए जाना जाता है। ऑगस्टस के अलावा द ओनली मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन इन द अर्ली एम्पायर वॉज ट्रेजांस fruitless occupation of territory across the Euphrates in the year 113 and 17 CE, abandoned by his successors. ठीक है, ऑगस्टस ने जो अपने एरिया को, अपने एम्पायर को इतना एक्सटेंड किया था, उसके अलावा जो एक्सपेंशन, जो कैंपेन, जो मेजर कैंपेन हुआ एम्पायर के एक्सपेंशन का, वो ट्रेजान के समय हुआ था,
जो कि अननेसेसरी एक्सपेंशन था, और बाद में उसके सक्सेसर्स ने उस एरिया को, यूफ्रेटिस के पार का जो एरिया था उसको बाद में छोड़ भी दिया था। मच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल। इस काल की का जो एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो रोमन एम्पायर का जो डायरेक्ट रूल था वो। दिस वॉज अकम्पलिश्ड बाई अब्जॉर्विंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम इनटू रोमन प्रोविंस टेरिटरी। और ये जो डायरेक्ट रूल था वो आसपास के जितने भी छोटे छोटे किंगडम थे उनको रोमन एम्पायर में मिलाकर किया गया था। द नियर ईस्ट वॉज फुल ऑफ सच किंगडम्स। ठीक है, ईस्ट की तरफ के में बहुत सारे इस तरह के किंगडम थे जिनको रोमन एम्पायर में मिला लिया गया था। बट बाय द अर्ली सेकेंड सेंचुरी दोज विच ले वेस्ट ऑफ द यूफ्रेटिस टूवर्ड्स रोमन टेरिटरी हैड डिसअपियर्ड स्वेलोड अप बाय रोम। ईस्ट की तरफ के जो ये छोटे छोटे राज्य थे इनको सेकेंड सेंचुरी में रोमन एम्पायर्स में मिला लिया गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इनमें से कुछ एम्पायर ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेरोड का जो एरिया था वो उसमें हर साल 54 लाख डिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। और डिनारियस जो था वो रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसमें 4.5 ग्राम जो है प्योर सिल्वर हुआ करता था। इनफैक्ट एक्सेप्ट फॉर इटली विच वॉज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोविंस इन दिस सेंचुरीज ऑल द टेरिटरीज ऑफ द एम्पायर वर ऑर्गेनाइज इंटू प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। और इटली को छोड़कर, क्योंकि इटली उस समय रोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में कंसिडर नहीं होती थी, इसलिए इटली को छोड़कर बाकी ऑल जो टेरिटरीज थी वो रोमन एम्पायर के प्रोविंसेस के रूप में ऑर्गेनाइज थी और उनको टैक्स देना होता था। एट इट्स पीक इन द सेकेंड सेंचुरी द रोमन एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम स्कॉटलैंड टू द बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया एंड फ्रॉम द सहारा टू द यूफ्रेटिस एंड समटाइम्स बियॉन्ड। जब रोमन एम्पायर अपने पीक पर था सेकेंड सेंचुरी में तो ये स्ट्रेच था स्कॉटलैंड से आर्मेनिया तक और सहारा से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक और कई बार यूफ्रेटिस रिवर के आगे भी। गिवन दैट देयर वॉज नो गवर्नमेंट इन द मॉडर्न सेंस टू हेल्प देम टू रन थिंग्स You may well ask, how was it possible for the emperor to cope with the control and administration of such a vast and diverse set of territories with a population of some 60 million in the mid-second century? The answer lies in the urbanization of the empire. और ये भी सच है कि उस समय एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए आज जैसी कोई गवर्नमेंट या आज जैसी कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इतने लंबे चौड़े एरिया को कंट्रोल रख पाना एम्परर्स के लिए कैसे पॉसिबल था। और एक तो एरिया बहुत लंबा चौड़ा और साथ ही साथ उसका पॉपुलेशन भी जो कि लगभग 6 करोड़ तक थी, तो उसको ये एम्परर्स जो थे वो कैसे कंट्रोल रख पाते थे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्बनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि बाद का जो रोमन एम्पायर था उसने एक तरह से अर्बनाइजेशन को जो अडॉप्ट किया था उसका अर्बनाइजेशन ही की वजह से वो इतने लंबे एरिया को वो कंट्रोल कर पा रहा था। मेडिटेरेनियन सी like Carthage, Alexandria, Antioch were the biggest among them, were the true bedrock of the imperial system.
मेडिटेरेनियन सी के चारों तरफ बहुत सारे ऐसे अर्बन सेंटर्स थे, उनमें से कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये सारे बिगेस्ट अर्बन सेंटर्स थे। और ये इम्पीरियल सिस्टम का एक बहुत ही मतलब बेस, एक बेडरॉक साबित हुए। इट वॉज थ्रो द सिटी दैट गवर्नमेंट वॉज एबल टू टैक्स द प्रोविंशियल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ ऑफ द एम्पायर। और ये जो सिटीज थी, इनके थ्रू ही गवर्नमेंट अपने उनके प्रोविंशियल एरियाज में, उस प्रोविंशियल एरिया के कंट्री साइड से टैक्स कलेक्ट कर पाती थी। मतलब टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो था वो उस प्रोविंशियल एरिया के रिनाउंड पर्संस को दिया हुआ था। व्हाट दिस मीन इज दैट द लोकल अपर क्लास एक्टिवली कोलैबोरेटेड विद द रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रिंग देयर ओन टेरिटरीज एंड रेजिंग टैक्सेस फ्रॉम देम। इन फैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रोमन पॉलिटिकल हिस्ट्री इज द ड्रामेटिक शिफ्ट इन पावर बिटवीन इटली एंड द प्रोविंसेस। इस प्रोविंशियल कंट्री साइड से टैक्स कलेक्ट करने का जो काम था वो सिटीज़ के जो अपर क्लास के जो लोग थे वो करते थे। और इन अपर क्लासेस के एक्टिवली काम करने की वजह से रोमन अम्पायर जो था उसको बहुत सारे टैक्स जो थे वो जनरेट होते थे, और वो अच्छी तरह से रोमन अम्पायर जो था वो एडमिनिस्टर कर पाता था अपनी टेरिटरीज को। और जो इसके पहले हमने क्या देखा था कि इटली को छोड़कर बाकी जितने भी वहाँ पर स्टेट थे, जो भी टेरिटरीज थी रोमन अम्पायर की, उनको प्रोविंस के रूप में ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ से टैक्स कलेक्ट होता था। ठीक है, और इन प्रोविंसेस में से जो मेन जो सिटी सेंटर्स थे वो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे। वहाँ के जो अपर क्लास के लोग जो थे वो प्रोविंस के कंट्री साइड से टैक्स कलेक्ट करने का काम करता। और इस तरह से रोमन अम्पायर के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ जो था वो टैक्स के रूप में कलेक्ट हो जाता था। फिर रोमन हिस्ट्री में एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट पावर का नज़र आता है, जिसमें कि इटली और प्रोविंसेस के बीच में पावर का ट्रांजिशन होता है। हमें पता है कि इटली जो था वो प्रोविंस नहीं था, और इसलिए टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो था वो इटली के पास, इटली के एलीट क्लास के पास नहीं था। टैक्स कलेक्ट करने का राइट किसके पास था? जो सिटीज़ के जो एलीट क्लास के लोग जो थे, अपर क्लास के जो लोग थे, और वो प्रोविंसेस के कंट्री साइड से टैक्स कलेक्ट करते थे। थ्रू आउट द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी इट वॉज द प्रोविंशियल अपर क्लासेस हु सप्लाइड मोस्ट ऑफ द कैडर दैट गवर्न द प्रोविंसेस एंड कमांडेड द आर्मीज। थ्रू आउट द सेकेंड एंड थर्ड सेंचुरी जो ये प्रोविंशियल अपर क्लास था उसने बहुत सारे ऐसे कैडर सप्लाई किए गवर्नमेंट को, जो कि उस प्रोविंस का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो संभालते थे और आर्मी को कमांड कर सकते थे। एंड दे केम टू फॉर्म अ न्यू एलीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स हु बिकम मच मोर पावरफुल देन द सीनेटोरियल क्लास बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्परर्स। और एक समय के बाद ये जो एलीट क्लास था जो कि वो ज़्यादा पावरफुल हो गया, वहाँ के जो सीनेटोरियल क्लास था, जो सीनेट्स थे, उनसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि ऐसे एलीट क्लास को एम्परर का सपोर्ट मिला हुआ था, एम्परर की बैकिंग मिली हुई थी। एज दिस न्यू ग्रुप एमर्ज द एम्परर गैलिनस कंसोलिडेटेड देयर राइज टू पावर बाई एक्सक्लूडिंग सीनेटर्स फ्रॉम मिलिट्री कमांड। और ऐसा भी कहा जाता है कि एम्परर गैलिनस ने इन्हें और ज़्यादा पावरफुल बनाया था, इनको मिलिट्री की कमांड देकर और सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड से हटाकर। वी आर टोल्ड दैट
गैलिनस फॉरबिड सीनेटर्स फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट, ठीक है। और ये बात भी पता चलता है कि गैलिनस ने सीनेटर्स को मना कर दिया था कि वो आर्मी तक एक्सेस उनका नहीं होगा और उनका आर्मी पे कोई कंट्रोल भी नहीं होगा, न तो वो सर्व करेंगे और न ही वहाँ तक उनका एक्सेस होगा। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल टू एम्पायर फ्रॉम फेलिंग इन टू देयर हैंड। और ऐसा गैलिनस ने क्यों किया था, ये ऐसा इसलिए उन्होंने किया था ताकि अम्पायर का जो कंट्रोल वो सीनेटर्स के हाथ में न जा सके, इसलिए उन्होंने ये जो नया एलीट क्लास था कमांड उसके हाथ में देकर सीनेटर्स को साइडलाइन कर दिया। टू सम अप, इन द लेट फर्स्ट सेकेंड एंड अर्ली थर्ड सेंचुरी द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वर इंक्रीजिंगली ड्रॉन फ्रॉम द प्रोविंसेस एज सिटीजनशिप स्प्रेड टू दीज रीजन एंड वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू इटली। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट के साल के समय में के बाद के टाइम में सेकेंड सेंचुरी और जो थर्ड सेंचुरी का जो शुरुआती टाइम था उस समय आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो उसके लिए जो प्रशासक और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो प्रोविंसेस से ही लाए जाते थे, क्योंकि अब प्रोविंसेस को भी सिटीजनशिप जो था वो मिल चुका था, ठीक है। प्रोविंसेस प्रोविंशियल एरियाज़ में भी सिटीजनशिप जो था वो आ चुका था, इस वजह से प्रोविंसेस से जो आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे वो सेलेक्ट होते थे। और अब ये सिटीजनशिप पहले केवल इटली तक कन्फाइंड था, लेकिन अब ये सिटीजनशिप इटली तक कन्फाइंड ना होकर प्रोविंशियल स्टेट तक भी पहुंच गया था, और इसलिए अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और आर्मी के जो लीडर्स थे वो प्रोविंसेस से ही सेलेक्ट किए जाने लगे। बट इंडिविजुअल्स ऑफ इटालियन ओरिजिन कंटिन्यूड टू डोमिनेट द सीनेट एटलीस्ट टिल द थर्ड सेंचुरी व्हेन सीनेटर्स ऑफ प्रोविंशियल ओरिजिन बिकेम अ मेजॉरिटी। लेकिन थर्ड सेंचुरी तक सीनेट पे जो इटली के लोगों का ही डोमिनेशन था, इटली के लोग ही थर्ड सेंचुरी तक सीनेट पे डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन जब धीरे धीरे इन प्रोविंशियल एरियाज से इन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटर को जब सेलेक्ट कर लिया गया और जब ये मेजॉरिटी में आ गए तब इटालियन ओरिजिन के सीनेट्स का प्रभाव भी कम हो गया। दीज ट्रेंड्स रिफ्लेक्टेड द जनरल डिक्लाइन ऑफ इटली विद इन द एम्पायर। और ये जो ट्रेंड दिखा जिसमें कि इटली के सीनेटर्स जो थे वो धीरे धीरे पावरलेस होते गए, और ये कहीं ना कहीं इटली के डिक्लाइन शो करता है बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड द राइज ऑफ न्यू एलिट इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सच एज द साउथ ऑफ स्पेन अफ्रीका एंड द ईस्ट। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस तरह से इटली का डिक्लाइन हुआ और जो सिटीज़ एरिया थे वो ज़्यादा वेल्दियर हुए, अर्बनाइज्ड हुए, और वहाँ से उनके जो लोग थे वो ज़्यादा पावरफुल हुए, जैसे कि साउथ स्पेन अफ्रीका और ईस्ट के। अ सिटी इन द रोमन सेंस वॉज एन अर्बन सेंटर विथ इट्स ओन मजिस्ट्रेट सिटी काउंसिल एंड अ टेरिटरी कंटेनिंग विलेज विच वर अंडर इट्स jurisdiction। रोमन एम्पायर में सिटी एक ऐसा अर्बनाइज्ड सेंटर था जिसके अपने मजिस्ट्रेट होते थे, अपने सिटी काउंसिल होते थे, और एक अपना एक अलग उनका jurisdiction होता था जिसमें कि वो वर्क करते थे। Thus, one city could not be in the territory of another city। ठीक है, और इस तरह से एक सिटी दूसरी टेरिटरी की सिटी नहीं हो सकती थी, उनका अपना jurisdiction होता था। बट विलेज ऑलमोस्ट ऑलवेज वर विलेजेस कुड बी अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ सिटीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लेकिन जो विलेजेस थे वो उनके संग हमेशा ऐसा नहीं होता था, विलेज को कभी उनके स्टेटस को अपग्रेड करके सिटी बना दिया जाता था, और कई बार सिटीज़ को
विलेज के रूप में बदल दिया जाता था। यूजुअली एज अ मार्क ऑफ इम्पीरियल फेवर, वन क्रूशियल एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ सिटी वॉज सिंपली दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड इवन फेमाइंस देन द कंट्री साइड। एक एडवांटेज सिटी में रहने का एक एडवांटेज ये था कि वहाँ पर फूड शॉर्टेज या फिर फेमाइन के समय में कंट्री साइड के कंपैरिजन में सिटीज़ में बेटर प्रोवाइड, उनको फूड ग्रेन्स बेटर प्रोवाइड हो पाते थे। पब्लिक बाथ्स वर अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ रोमन अर्बन लाइफ। ठीक है, जो पब्लिक बाथ था वो रोमन अर्बन लाइफ का बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर था। व्हेन वन ईरानियन रूलर ट्राइड टू इंट्रोड्यूस देम इनटू ईरान, ही एनकाउंटर्ड द रेथ ऑफ द क्लर्जी देयर। ठीक है, और रोमन एम्पायर में जो एक का एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक था पब्लिक बाथ, तो एक ईरानियन एम्पायर ने भी उसको अपने ईरान में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो वहाँ का जो क्लर्जी था वो काफ़ी नाराज़ हुआ, क्योंकि वाटर वॉज सेक्रेड एलिमेंट एंड टू यूज़ इट फॉर पब्लिक बाथिंग मे हैव सीम्ड अ डिसेक्रेशन ऑफ देम। और इस तरह से, क्योंकि पानी बहुत ही पवित्र चीज़ होता था वहाँ पे, और इस तरह से उसको पब्लिक बाथ का मतलब है कि पानी को अपवित्र किया जाना, और इसलिए वहाँ के का जो क्लर्जी क्लास था वो काफ़ी नाराज़ हुआ। एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑल्सो इन्जॉयड अ मच हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, वन कैलेंडर टेल अस दैट स्पेक्टिकुला फिल्ड नो लेस देन 176 डेज ऑफ द ईयर। और वहाँ का अर्बन लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि वो हायर लेवल एंटरटेनमेंट को इन्जॉय करते थे, और उनके एक कैलेंडर से ये पता चलता है कि पूरे साल में 176 डेज ऐसे होते थे जो किसी न किसी स्पेशल ओकेज़न से फिल्ड थे, और वो उनको वहाँ सेलिब्रेट करते थे।